मैम इंटरनली तो वही कशोर गुग्गल, आरोग्य वर्धिनी, देती हूँ चंदन आसर, या फिर महामंजिष्ठिरिष्ट। एक्सटर्नली मैम यशद भस्म आती है ना मैम, यशद भस्म, उसमें मैं अप्लाई करने के लिए बोल देती हूँ। और कुछ? बस एशद भस्मा तो लाइव हो चुका है। तो नमस्कार सभी को, आज के इस निरोग परिचर्चा के सत्र में आप सभी वैद्यों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित सभी वैद्यों का भी मैं स्वागत करती हूँ। और आज हम केसेस डिस्कस करेंगे। जैसे हमने पिछले सत्रों में मुखदूषिका के बारे में बताया था कि मुखदूषिका को कैसे ट्रीट करेंगे। मुखदूषिका कई कारणों से होती है। मुखदूषिका का जो एक्चुअली इसका वर्णन क्षुद्र रोगों में किया है, ये कोई बड़ा डिसीज नहीं है, बट एक प्रकार की हीन भावना या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाना, कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि त्वचा ये एक प्रकार से सौंदर्य का एक मुख्य पैरामीटर माना जाता है। और इसी को लेकर फिर पिंपल्स आते हैं तो चिंता होती है, और फिर पिंपल्स आना, ऐसे ये साइकिल चलता रहता है। जो कोई इसको सहज भाव से स्वीकार कर लेता है, इसमें इसका रिजल्ट भी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। हाँ यस, बताइए अंजू। हाँ, और इसके अलावा मैम इसमें हेतु का थोड़ा स्टडी करती हूँ कि इसमें कई बार होता है हार्मोनल इम्बेलेंस, लाइक पीसीओडी की प्रॉब्लम्स में भी होता है ये, कभी कॉन्स्टिपेशन के कारण भी होता है, तो थोड़ा वातानुलोमन के लिए भी देती हूँ मेडिसिन्स, हाँ यस यस गंधक रसायन भी यूज करती हूँ मैं हाँ, भी। गंधक रसायन का भी अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि गंधक त्वचा विकारों में बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल। और यही कुछ करती मैम मैं तो यूज, जी यही करती हूँ मैम मैं तो यूज ना ये सब। ओके ओके, आपके कोई केस हो तो बताइए, आपका कुछ अनुभव दूसरों वैद्यों का भी कुछ हो तो इसमें ऐड कर सकते हैं। निशा जी, गौतम सर, आप क्या किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं बताइए। अंजना मैम, आपका कुछ एडिशन इसमें? जी मैम, शल्य की कंटक, हाँ, शल्य की शालमली का। कंटक, हाँ बहुत, हाँ बहुत अच्छा इफेक्ट आता है उसमें। शालमली कंटक को अगर हम लेके और उसका लेप लगाते हैं यस तो यस उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है, और जो उसकी रूट्स जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं और काफी अच्छे से मृदु हो जाती है स्किन। और दूसरा मेरा यही मानना है कि जो कॉज होता है, मतलब जैसे हम लोग आयुर्वेद विज्ञान पे डिपेंड करते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच पे डिपेंड करते हैं, तो हमें लगता है कि हमें जो है सबसे पहले उसका रूट कॉज देखना होता है। और जो रूट कॉज है वो जैसे मैडम ने बताया हार्मोनल डिसबैलेंस ही है, और हार्मोनल डिसबैलेंस को हमें नॉर्मली नॉर्मल लाना है, या जो पीसीओडी के प्रॉब्लम्स के पेशेंट को कॉमनली मिलता है, तो ऐसे केसेस में हमको सबसे पहले जो आहार है और उसका जो विहार है, लाइफ 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 उसका कैसे चल रहा है, किस तरह से वो अपने जो है दिनचर्या का और उसके हिसाब से उसके आहार का जो क्या क्रम है, उस पर कंसंट्रेट होना पड़ेगा। और क्योंकि अगर वो हार्मोन्स नॉर्मल रहेंगे तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मेरा यही मानना है कि हमें आहार का जो है सार और किट का विभाजन अच्छे से होना चाहिए, रज धातु अच्छे से बनना चाहिए, और अग्नि जो है वो वहां पे अच्छे से जो है जठराग्नि, धातुवाग्नि, भूताग्नि सब जो है एकदम नॉर्मल होना चाहिए, तभी हम इसको प्रॉपरली जो है रूट कॉज से ही ठीक कर पाएंगे। और बाकी जो जैसे कहते हैं ना कि हमें देखने के लिए, तो हम इस तरह के काफी लेप हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, जिसमें से बिल्कुल शालमली कंटक लेप भी एक उचित लेप है, उसको हम लगाते हैं। जी मैम, यस यस, खूब सारे अपने अपने कुछ अनुभूत संकल्प होते हैं, अपने अपने कुछ योग होते हैं, लाइक हल्दी बेसन सर से लेकर जो घरेलू नुस्खे के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टर्मरिक, फिर मिंट, पुदीना का जो पत्ता होता है ना इसका, और फिर टर्मरिक का पेस्ट बनाकर भी लगाना काफी अच्छा, मतलब थेरापेटिक इफेक्ट्स इसके अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि जैसे इसके बारे में तो हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है, फिर हम रिपीटेशन नहीं करेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं, बट इसमें खासकर जैसे चिंता ये मुख्य कारण होता है, रस रक्त व स्रोतस दुष्टि, कफवात दोषों का प्रकोप ये भी इसके कारण होते हैं, तो वात का अनुलोमन तो बहुत ही जरूरी है। मलावष्टम में भी मुख्य कारण हो सकता है इसका, कई बार देखा जाता है मेंस्ट्रुएशन के पहले या बाद में हार्मोन्स के कारण भी इसका निर्माण होना संभव है। बहुत बार फिर मेंस्ट्रुएशन हो जाने के पश्चात साइकिल के बाद अपने आप मुहासे चले भी जाते हैं। शहद का भी बहुत अच्छा उपयोग होता है, शहद और लेमन, नीम, लेमन नींबू का रस हो, फिर नीम का
पत्तों का, कुड़नीम के पत्तों का जो पेस्ट बनाकर भी लगाते हैं, तो क्योंकि वो त्वचा विकार के लिए बहुत ही अच्छा है। कई सारे त्वचा विकारों में नहाने के पानी में कुड़नीम के पत्ते डालकर अगर नहाते हैं तो एंटीफंगल एंटीबायोटिक के रूप में भी काम हो जाता है, क्योंकि इसका एक कारण कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है कई बार। तो नीम का रस भी बहुत अच्छे से काम करेगा अगर आप इसे हनी के साथ लगाते हैं तो। इसके साथ साथ तिल का लेप, तिल कलक का भी प्रयोग बहुत अच्छा बताया है नीम के पत्तों का। तो मैंने एलोवेरा इज ऑल्सो बेस्ट, त्वचा और बालों के लिए भी एलोवेरा जेल या एलोवेरा का जो अंदर का जो ये रहता है ना घन भाग जो रहता है व्हाइटिश वाला सार भाग, इसको लेकर भी हम लोग लगा उसमें हल्दी भी डालकर पेस्ट लगा देंगे तो भी अच्छा उसका उपयोग होता है। फिर लोद्र है, फिर दशांग लेप है, ऐसे कई सारे लेप जो है इसमें हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। चंदन का भी अच्छा उपयोग होता है, चंदन त्वचा के ऊपर भी अच्छे से काम करेगा, मंजिष्ठा करेगा। तुलसी के पत्तों का भी लेप लगाया जा सकता है, संतरे के जो साल होते हैं ना, छाल होती है उसका, उसके पाउडर बनाकर भी उसका लेप लगाया जा सकता है। तो बहुत अलग अलग प्रकार से इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। इंटरनली हम लोग मुरुचि घनवट्टी आरोग्यवर्धिनी जैसे कुछ इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर हरिद्रा खंड अच्छा काम करेगा, गंधर कसाई मैडम ने भी बताया, हरिद्रा के खदीरादि वटी भी काम करेगी इसमें। त्रिफला गुगुल या सूक्ष्म त्रिफला भी एंटीबायोटिक के रूप में काम करेगा, क्योंकि त्रिफला ये भी त्वचा के ऊपर काम करने वाला है, वर ने बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे सत्र के साथ, कुछ केसेस हो आप लोगों के तो प्लीज बताइए। या कुछ फॉलोअप अगर हो केसेस के बारे में तो शालमली कंटक कैसे यूज करना है मैम बताइए, शालमली कंटक आप कैसे बनाती है? अंजू, डॉक्टर अंजू पूछ रही है। हाँ मैम, एक्चुअली जो शालमली कंटक की बात आई है, हमारे चिकित्सा में जो आप लोग स्टडी भी करते हैं तो समथिंग कुछ समय जैसे कहते हैं ना कि वो जिस हिसाब से दिखाई पड़ता है उस हिसाब से उसकी चिकित्सा, मतलब वो कंटक के हिसाब से जो है वो हमारी युवान पीड़िकाएं होती हैं और जो बहुत अजीब से पेशेंट को फेस कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है, तो वहां पे शालमली कंटक का हमारे यहाँ आया है। उस कंटक को हम लोग अपने पास जैसे बमपुरा का पूरा जिसमें शालमली लगी, शालमली के पेड़ में से वो कंटक वाला जो है पोर्शन तोड़वा लेते हैं और उसको अगर वहां से निकलवा लेते हैं और उसके बाद उसको उसका जो है हम लोग पीस देते हैं, कल्क बना लेते हैं। और फिर कल्क का जो है वो कच्चे दूध के साथ भी उसका लेप बहुत अच्छा है, जैसे मैडम ने कहा हल्दी के साथ भी, चंदन के साथ भी, समटाइम्स उसका लेप जो है हम लोग वो जो है इसमें जो हमारे पास टमाटर, टमाटर का जो उसका वो होता है रस, टमाटर के रस के साथ और शहद के साथ मिला के लगाते हैं। और समटाइम्स जो होता है उस लेप को हम बेसन के साथ या हल्दी के साथ मिला के भी लगा सकते हैं। तो युक्ति पूर्वक, चिकित्सा पूर्वक किसकी किस तरह की त्वचा है, कभी किसी की बहुत ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की मीडियम होती है, उस हिसाब से हमें वहाँ पे देखना है। अगर हमारे पास नॉर्मल स्किन होती है तो हम ऐसे केसेस में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेंगे और उसके अलावा जो है इसका पेस्ट ले लेंगे, वहाँ थोड़ा सा हम जो है नींबू का रस या संतरे का रस मिला लेंगे, और अगर पपीता मिल जाता है, पपीते का गूदा, वो भी बहुत फायदा करता है। तो ये सब चीज मिला के अगर लेप लगाते हैं मैडम तो बहुत फायदा करता है। पपीता भी बहुत अच्छा है, पपीता पपया जो बोलते हैं ना वो भी बहुत अच्छा काम करेगा इस सभी स्किन के डिसीजेस में। यस मैम, इसको ड्राई पाउडर करके रख सकते हैं या फिर इसको फ्रेश ही यूज करना है शालमली कंटक? रख सकते हैं, ड्राई पाउडर करके रख सकते हैं मैडम, है बुक में ऐसा वर्णन आया है कि आप इसको ड्राई पाउडर, मतलब उसका आपको लेप लगाना है तो लेप का मतलब ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा फ्रेश रहे, उसको हम पाउडर बना के रख सकते हैं फिर उसका लेप कल्पना में उसको लगा के उसका यूज कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। इसके ऊपर रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं, कई सारे रिसर्चेस, अभी मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा है तो उसमें भी ये शालमलादी लेप का ही यूज करके उन्होंने मुख दुशिका के पेशेंट्स को, रुग्णों को कम किया है, जिसमें खासकर जिसमें बर्निंग सेंसेशन या कुछ डिस्कलरेशन या एक ये होता है ना, ये इसमें बहुत अच्छा काम करता है इसी कुछ अवस्था में, मुख दुशिका में अगर दाह हो, पित्त का अधिकता हो या पित्तजनित फुंसिया हो जिसमें रेडनेस दिखता है, ऐसे उभर कर आती है, कभी कभी पस फॉर्मेशन भी होता है, बहुत ही खराब सा एक ये होता है, इन्फेक्टेड ऐसे लगता है ना, तो इसमें भी इसका बहुत उपयोग बताया गया है।
नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार सर, बताइए बताइए। मैं एक केस जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, 34 ईयर ओल्ड, कब अभी डाला था? कल डाला था, मैं देखती हूँ। हाँ, 2-3 दिन पहले। हाँ बताइए। 34 ईयर ओल्ड लेडी है एंड टीचर बाय प्रोफेशन। हाँ, और रिटेंशन ऑफ यूरिन का प्रॉब्लम था। हाँ, तो क्या दिया आपने फिर वो सब, मतलब जो चंद्रप्रभावती? 10 दिन से। हाँ 10 दिन से वो चालू है मैम, चंद्रप्रभावती है, गोक्षुरादि गोकुल है। हाँ, और फिर इंद्रवस्ती मर्म का उत्पीड़न बताया है। और शुंठी सिद्ध एरन तेल है, वो एप्लीकेशन डेडर के ऊपर एप्लीकेशन और बेक में एप्लीकेशन बोला है, बाद में हॉट वाटर बेक का फर्मेंटेशन बोला है। तो बीच में 4 दिन बाद तो एक बार उनका कैथेटर निकाल के ट्राई किया था, मगर फिर भी 5-6 घंटे के बाद फिर ब्लैडर डिस्टेंडेड हो गया, तो फिर वापस कैथेटराइजेशन करना पड़ा। तो मतलब उनको अपने आप से यूरिनेशन नहीं हो रही है? हाँ, मतलब उनको सेंसेशन तो हो रहा है यूरिन का, मतलब रिटेंशन है, यूरिन हो नहीं रहा है, मतलब आउटफ्लो है वो नहीं हो रहा है। अच्छा, हाँ। बाकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस या कुछ बाकी प्रोग्रेस बताइए थोड़ा कुछ। बाकी मैं यूएसजी जब किया था तो उसमें तो ओवर डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर था और हाइड्रो नेक्रोसिस और हाइड्रो यूरेटर था, और उसमें ब्लड के रिपोर्ट में HbA1.6 है, बाकी का WBC प्लेटलेट वो बाकी सभी नॉर्मल था, और यूरिन के रिपोर्ट में 80-85 पस सेल और 8-10 RBC। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, ओके। बाकी आपने कुछ प्रोफाइल किया क्या, लिपिड प्रोफाइल, TSH वगैरह? नहीं, वो तो कुछ नहीं करवाया है। नहीं तो, मतलब कितने दिन हम पेशेंट्स को ऐसे रख सकते फिर ऐसे? वही मैम, इसलिए पूछा कि अभी मतलब ऐसे केस में कितने दिनों में रिकवरी हो जाता है। अच्छा, आपने कुछ हाँ, और कुछ हिस्ट्री आपके पास है इसके लिए? मैम वो मतलब डेली उनका ट्रैवलिंग रहता है 100 किलोमीटर, और बाकी टीचर है तो वो बोल रहे थे कि कभी कभी मतलब मूत्र वेग धारण हो जाता है। हाँ, ऐसा मतलब हेतु मिला है। और हाँ वो तो ठीक है। हाँ, बाकी मेंस्ट्रुएशन या बाकी कुछ ऐसे इसको लेकर? मेंस्ट्रुएशन अभी तो रेगुलर है, पहले मतलब 1 ईयर बिफोर इरेगुलर मेंसेस था और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन था, तो उस टाइम मैंने पतरंगासव दिया था, मगर पेशेंट को पतरंगासव से भी वोमिटिंग हो रहा था, तो मैंने बंद करके सिर्फ दीपन पाचन और वातानुकूलन का एक कोर्स करवाया 2-3 महीने का, तो बाद में सब कुछ सही हो गया था। अच्छा, यूएसजी वगैरह कराया है एब्डोमिन का? हाँ, यूएसजी में तो ओवर डिस्टेंडेड ब्लेडर था, बाकी किडनी का साइज सब कुछ नॉर्मल है। बाकी मेंस्ट्रुएशन के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ समस्या नहीं है? ना, अभी तो मेंस्ट्रुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा बाकी पानी पीना, धनिया का भी इस्तेमाल करने को बताया आपको, किया आपने धनिया का पानी? हाँ, धनिया का वो ऐसे ही डायरेक्ट मैंने बोला था वो, हाँ खाने के लिए। हाँ, वरुणादि कषाय वगैरह ऐड किया? वो ये मतलब पेशेंट को ऐसा है कि ये लिक्विड का जैसे स्मेल आता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, बाद पीने के बाद वोमिटिंग कर देते हैं, तो लिक्विड के लिए मना कर रहे हैं। तो फिर कैसे काम, मतलब कैसे काम होगा कैसे इसमें, ऐसे केसेस में थोड़ा मतलब उनको कुछ डाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो रहा है साथ में ना? अभी तो खाना वो सब कुछ ठीक है और बाकी प्रॉब्लम नहीं है डाइजेशन का, अभी तो कुछ दूसरा कोई इश्यू नहीं। आप बोल रहे हैं कि लाइक उनको ये नहीं फील नहीं हो रहा है अच्छे से, सहन नहीं हो पा रहा है ना, वो ऐसा है कि पेशेंट को मतलब ये स्मेल जो लेते हैं ना लिक्विड का, हाँ, स्मेल ही अच्छा नहीं होता है, तो फिर वो पसंद नहीं करते तो वोमिटिंग कर देते हैं सीधा। कुछ मात्रा बस्ती का वगैरह ट्राई कर सकते, किया आपने कुछ? नहीं मैम। तो मुझे लगता है कि मात्रा बस्ती दे सकते हैं ऐसे केसेस में हम लोग, वहां पर थोड़ा टोन डेवलप करने के लिए लोकल थेरेपीज के रूप में
नाभि पूरन भी कर सकते हैं, नाभि के यहाँ पर ऑयल डालना ये भी अच्छा रहेगा इसमें अनुलोमन के लिए वात का, क्योंकि अपान वायु की अनु हमें थोड़ा सा जो भी लाइक स्टिंचर या जो संकोच है यानी वहां पर उनको सेंसेशन नहीं हो रहा है तो वात दोष को करेक्ट करना है तो अपान वायु के क्षेत्र में काम करने के लिए मुझे लगता है नाभि पूरन भी करेंगे या भस्त्रिका भी प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा इसमें। अंजना मैम बताइए आपका भी कुछ व्यू इसमें। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी सर से कि हाँ। उस पेशेंट को जो ये एज क्या है उसकी, पेशेंट की 34 एज है, 34 एज है और बच्चे कितने हुए उसको? अनमैरिड है, अनमैरिड है। अच्छा अनमैरिड है। अच्छा किसी भी तरह के प्रोलैप्स की हिस्ट्री वगैरह तो नहीं है ना? नहीं मैम, यूटराइन प्रोलैप्स या सिस्टोसील रेक्टोसील इस तरह की कोई हिस्ट्री नहीं मैम, पास्ट हिस्ट्री तो कुछ नहीं है। जी सर, सर तो जैसे ऐसे केसेस में एक्चुअली क्या है कोई और उसको ब्लड प्रेशर वगैरह या शुगर वगैरह इस तरह की कोई हिस्ट्री? नॉर्मल है मैम, चेक किया था। अच्छा तो सर ये अचानक शुरू हुआ या धीरे धीरे शुरू हुआ पेशेंट को कंप्लेंट? हाँ नहीं, एक्यूट था कंप्लेंट तो। अच्छा तो पेशेंट कुछ वर्किंग में है कि हाउस घर पे रहती थी? वर्क तो मैडम टीचर है तो मतलब यहाँ लोकल जामनगर एरिया से 60 किलोमीटर का स्कूल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसे कैसे जाना रहता है उसको, बाई बस या कैसे जाना? वो उनका हेतु है मतलब ट्रैवलिंग हेतु है उनका रोज का। हाँ हाँ, बात को पित हो रहा है ना? वही बात का ही है तो मुझे लगता है मसल के ऊपर काम करना है, मसल का टोन बढ़ाना वहाँ पे जो भी डेट्रूसर, हाँ डेट्रूसर जो मसल होती है वहाँ हाँ। पे हमें उसको जो है स्टिमुलेशन देना है क्योंकि स्टिमुलेशन करना पड़ेगा। हाँ जनरली अर्ज वो फील नहीं कर रही है, जब ब्लैडर फुल हो जाता है तो उससे पहले जो है वो अर्ज उसको फील होना चाहिए, नहीं हो रहा है फील। हाँ अर्ज फील नहीं कर रही है तो यहाँ पे सर आप ये कर सकते हैं, सबसे पहले उसको जो है ना सुप्रा प्यूबिक मतलब नाभि के नीचे अधोदर पे लेप करवाइए और वो जो लेप करवाइए उसमें जनरली आप शिगुरु पत्र लीजिए और गुरु पत्र को जो है थोड़ा सा उसको कल्प बना दीजिए पीस के और उसका वहाँ पे जो है लेप करवाइए और उसके बाद थोड़ा गर्म पानी थोड़ा ठंडा पानी उसको वहाँ पर भी अधोदर पर भी डालना है या वरुण शिगुरु कषाय बना लेना है, वरुणादि कषाय में ही शिगुरु पात मिला देना है, शिगुरु पत्र मिला के और उससे भी हम लोग ऐसे कैसे में कभी कभी आफ्टर सर्जरी ऐसे ऐसा कैसे हम लोग को मिलता है तो हम ऐसे कैसे में इनर्वेशन को स्टिमुलेट करते हैं वहाँ की और मसल को स्टिमुलेट करते हैं तो ठंडे पानी और गर्म पानी की छींटे डलवाते हैं, मतलब उसको समटाइम्स जो होता है शीत और समटाइम्स उष्ण जो है वो जो है हाँ क्वाथ का वो कराते हैं और वही जो उसकी यूरेथ्रल ओपनिंग है वहां भी हमें ये काम कराना है। जैसे आपने कहा कि कैथेटर डाला हुआ है तो कैथेटर डालने में हमें एक बार उसका यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी भी करा लेना चाहिए क्योंकि जैसे पेशेंट क्रॉनिक हो रही है तो समटाइम्स क्या होता है कॉलोनी डेवलप हो जाती है बैक्टीरिया की तो वहां भी हमें ये देखना है और हम मूत्र मार्ग से बस्ती भी दे सकते हैं क्योंकि जब हम कैथेटर डाल रहे हैं और कैथेटर से जो है वो यूरिन पास हो रही है तो जब हम कैथेटर चेंज करें जैसे कि अब हमने उसको डाला या उसको हमने 24 आवर्स में एक बार हम क्या कर सकते हैं उस कैथेटर से जो है थोड़ा सा वरुण शिगुरु कात या फिर वरुण शिगुरु में थोड़ा सा हम वहाँ तिल का तेल से उसको संस्कारित कर लें, मतलब वरुण शिगुरु आदि तेल हो जाएगा वो और वरुण शिगुरु तेल को भी हम जो है कैथेटर के रास्ते थोड़ा एक बार जब ब्लैडर खाली हो जाता है और फिर उसके बाद जैसे कहते हैं कि ब्लैडर को हल्का सा वाश कर लें कैथेटर के द्वारा प्रक्षालन कर लें तो खाली हम क्वाथ से पहले प्रक्षालन कर लें, शिगुरु क्वाथ बना के शिगुरु क्वाथ से प्रक्षालन कर लें और वरुण शिगुरु क्वाथ को हम तिल के तेल के साथ एक बार संस्कारित कर लें और उससे अगर हम कुछ मात्रा में उत्तर बस्ती डालें और उत्तर बस्ती डाल के थोड़ी देर रिटेन करके फिर उसके बाद उसको कैथेटर से ही हम सिरिंज के सहारे से बाहर निकाल दें तो अगर इस तरह से हम दिन में 2 बार या 3 बार इस तरह से करेंगे तो हमें लगता है कि जो हमारा ये उत्तर बस्ती है एक तरह से कहते हैं जो मूत्र मार्ग से दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आएगा और धीरे धीरे फिर जैसे डिश तुंडुक बटी है उसको भी हम अगर पाउडर फॉर्म में पेशेंट को अभ्यंतर तो दे ही सकते हैं पाउडर फॉर्म में करके हम वरुण शिगुरु के क्वाथ के साथ में उसमें थोड़ा सा तिल का तेल मिला के
तो वहां विश्वतंत्र में हमें कुपीलू थोड़ा सा मिल जाएगा, थोड़ा सा हमें और वसना मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमें स्टिमुलेशन करना है तो थोड़ी कम क्वांटिटी में। जैसे हमें बताया गया है कि पहले हमने जो है थोड़ा सा तेल लिया, फिर हमने मधु लिया, फिर थोड़ा सा सेंधव लिया, उसको अच्छे से मिलाया, मिलाने के बाद हमने उसमें शिगरू का जो है कल्क मिलाया, फिर वरुणादि कषाय मिलाया, और उसमें भी अगर जो कल्क के रूप में हम मिलाते हैं वहां थोड़ा सा अगर हम यहाँ यवक्षार, थोड़ा सा श्वेत पर्पटी, और थोड़ा सा जो है हम जिस जो कि हमने अभी बताया था ऐड करने के लिए विष तुंडुक बटी, उसको क्रश करके बहुत अच्छे से हमने पहले सारा मिलाने के बाद अगर हम उसकी बस्ती जो है मात्रा बस्ती, तो मैडम कह ही रही है मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ब्लैडर में इस तरह से एक बार कल्चर कराने के पश्चात अगर हम एक बार नया कैथेटर यूज करें और उस नए कैथेटर से हम इस तरह का थोड़ा बस्ती करें पेशेंट को, तो मुझे लगता है कि पेशेंट को रिलैक्स होगा और कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन मिलेगा। तो हमें नाभि पूरण भी करना है, हमें मात्रा वस्ती करना है, हमें अधोदर पे लेप करना है, अधोदर पे प्रक्षालन करना है, और हमें जो है स्पेसिफाई करना है उस एरिया को, यूरेथ्रल ओपनिंग में भी हमें थोड़ा सा कॉथ से प्रक्षालन करते रहना है, और साथ में हमें उसी रास्ते से जब हम चेंज करके पहले पूरा ब्लडर हटा के पहले पूरा कैथेटर हटा के जब नया कैथेटर डालें, तो उसको पहले जैसे हमारे ब्लडर खाली हो तो पहले हम औषधि डालें, और औषधि डालने के पश्चात जो है हम उसको उत्तरवस्ती करें, और उत्तरवस्ती के पश्चात फिर हम उस कैथेटर को थोड़ी देर के लिए नीचे से कहना चाहिए वो इस आर्टरी वगैरह लगा के उसको ब्लॉक कर दें या बांध दें उसका रास्ता, थोड़ी देर वो मेडिसिन जब अंदर रह के अपना काम करे कम से कम 30 मिनट 40 मिनट, देन हम उसको खोल के सब जो है वो औषधि बाहर रह जाएगी, फिर यूरिन भी बाहर जाएगी। इस तरह से अगर हम डेली 24 आवर्स में 2 टाइम्स करेंगे तो हमें लगता है हमें इफेक्ट मिलेगा। यस मैम, और इसमें मुझे लगता है ना जैसे कि कारण हमें एक्चुअली केस थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा है कि जी हेतु क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है कई बार कई शॉक कुछ सदमा वगैरह लगा है, कुछ डिप्रेशन है पेशेंट में, तो हमें कुछ या फिर कहीं ना कहीं पीआईडी या कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन होगा जिससे वहां पर मसल का टोन लूज हुआ है ऐसा, क्योंकि बहुत बार जब भी हम बात करते हैं ना, पिछले कुछ सत्रों में भी हमने देखा था कि ऐसे जो यूरिनेशन या डेफिकेशन की जो आदतें होती है तो इसमें टोन इम्पोर्टेंट है और साइकोलॉजिकल भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम अपने ब्लैडर को जिस प्रकार से ट्रीट करते हैं, जिस प्रकार की आदतें लगाते हैं, जैसे पेशाब के बारे में हो या मल विसर्जन के बारे में हो, तो उसी प्रकार से वो लग जाती है, तो ये भी है। और कुछ मैंने पढ़ा है कि इसमें हम मसल्स के लिए, पेल्विक फ्लोर के मसल्स के लिए कुछ प्रकार के एक्सरसाइजेस भी हम करा सकते हैं, जिससे जो भी कुछ वहां पर एक पैथोलॉजी हुई है या वात दोष का जो प्रकोप हुआ है वो रेगुलर हो जाएगा। तो थोड़ा उनको ये टाइप के एक्सरसाइज भी बताइए, जो बैठे बैठे आसन आसन वगैरह होते हैं ना, जिससे हमारे हमारे पेल्विक फ्लोर पर ये पड़े, कुछ स्ट्रेचेस हो, डेवलप हो इस प्रकार से, ऐसे कुछ आप यहाँ पर बता सकते हैं। और एक जैसे मैडम ने बताया वो भी है हॉट वाटर, और इसका और पानी की, मैम इसमें हम लोग ना पानी की धार जो है वो नाभि के ऊपर परिषेक के रूप में भी करा सकते हैं ना, गर्म पानी की हॉट वाटर फोमेंटेशन के रूप में, या जो जी बैग्स वगैरह आती है ना हॉट वाटर की बैग्स, उससे सेक भी दे सकते हैं ना, जी मैम, जी बहुत मैम अच्छा उसको, होगा। हाँ उसका इफेक्ट मिलता है पेशेंट को, क्योंकि स्टिमुलेशन होगा उससे ना, स्टिमुलेशन उससे होगा, ये भी स्टिमुलेशन करिए होगा गौतम तो सर हो आप, सकता ये तो सिंपल है। अन्ना में मात्रा ये बस्ती आपने बताया वो 5 ml देना है या ज्यादा? सर उत्तरवस्ती की मात्रा अगर हम ब्लैडर में देते हैं ना सर, तो हम उत्तरवस्ती जो हम यूट्रस में देते हैं वो तो 5 ml है, यहाँ हम मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि पहले हमें एक बार उसका पूरा ब्लैडर को खाली कर देना है। जैसे हम मानिए उसको आपने कहा ना कैथेटर लगा है, तो पुराने कैथेटर से पहले अगर पूरा खाली करके बाद जब हम नया कैथेटर इंसर्ट करेंगे तो हम उसमें अभी शुरुआत जो है वो 50 to 70 ml से कर सकते हैं, कि हमें हमें पहले एक तरह से वॉशिंग भी करना है ना, क्योंकि वहां पे जब बहुत दिन तक कैथेटर रहता है तो कभी कभी एक कॉलोनी भी डेवलप हो जाती है, और वो कॉलोनाइजेशन को हमें ब्रेक करना है। तो वो हमारे पास जो भी औषधियां हैं, जिसमें हम शिलाजंतु को भी मिला सकते हैं, हम यहाँ पे और बरु शिग्रु कात को मिला सकते हैं, विष तुंडुक बटी को मिला सकते हैं, हमारे शास्त्रों में तो वर्णन आया है, यहाँ पे यव यव का भी बहुत अच्छे से वर्णन आया है, और कुष्ठ का भी वर्णन आया है,
तो फिलहाल हमने जो आपको बताया मोटी मोटी जो मेडिसिन जो यूजफुल है, वरुण शीघ्र का कात बनाइए, तो उसमें उससे पहले थोड़ा सा तिल का तेल ले लीजिए, और उसमें थोड़ा सा जो है आप सैंधव लबण मिला लीजिए, थोड़ा सा मधु भी मिला लीजिए, और उसके साथ में आप इष्टुंतक बटी और थोड़ा सा शिलाजतु, और उसके अलावा यपचार, इतना आप मिलाने के बाद फिर उसमें जो है इसका शिगरू का कल्प मिला के बौनादी कषाय मिला लीजिए, और उसकी जो मात्रा आप देना है पेशेंट को देना चाहते हैं वो मेरे हिसाब से पहले आप स्टार्टिंग क्योंकि 50 ml से करिए, और 50 ml के बाद फिर उसको थोड़ा सा 70 ml तक ले जाइए, अगर उसको प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर वो जो है आप धीरे धीरे उसकी मात्रा को रख सकते हैं, थैंक यू क्योंकि मैम। थैंक ब्लैडर ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो यूट्रस की कैपेसिटी से ज्यादा होती है ना सर, तो वहाँ मात्रा थोड़ा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात है कि जो वहाँ की समटाइम्स इन्फेक्शन से भी जो है वो वहाँ की हमारी डेट्रूसल मसल जो होती है वो निष्क्रिय हो जाती है, तो हमें वो एक कॉलोनी तोड़नी है, लेकिन उससे पहले आप कल्चर जरूर भेज दीजिएगा, कल्चर भेजने से कम हम जान जाएंगे कि वहाँ कोई बैक्टीरिया या किसी तरह की कॉलोनी तो डेवलप नहीं कर गई है, यस मैम, क्योंकि थैंक यू सेकेंडरी मैम। इन्फेक्शंस हो सकते हैं ना, वो अगर अटेंशन के साथ साथ फिर सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और जैसे आप बता रहे हैं कि वो पूरा हाइड्रो हाइड्रो नेफ्रोसिस है वहां पे है ना, ये भी हाँ आप मैम, बता रहे हैं कि तो किडनी तक में वहां पे है और प्रॉपर उसको ड्रेन नहीं मिल रहा है, तो हाँ कहीं सर, की पेशेंट का अभी तो मैम नहीं है, वो मंडे को आएंगे शायद। उसका वीडियो ही बना लीजिएगा सर, आप बात करते करते थोड़ा यस मैम, सा हम लोग को आइडिया हो जाएगा। जी सर, हाँ थोड़ा सा और क्लियरिटी थोड़ी सी नहीं आ रही डॉक्टर गौतम, हाँ प्रकृति पता चलेगी आई थिंक उसकी देयर ना उसमें। मतलब समथिंग मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। ऐसा लगे तो एक बार फिर मतलब ऐसा सेशन हिस्ट्री अच्छे से होगा। नहीं मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ समथिंग मैम, उनको मतलब लिंक भेज के फिर आ एक बार सकती है क्या, ऐसा हो रुकना तो। आ हाँ सकती है। एट प्रेजेंट तो मैम नहीं होगा। आप गर्म पानी का फोमेंटेशन कराइए, और जैसे ये शिग्रू का भी, क्योंकि शिग्रू स्टिम्युलेट करता है, उष्ण गुण वाला है, तो इसीलिए ये शिग्रू का भी अच्छा उपयोग होगा, और मुझे लगता है वरुणादि कषाय आप ऐड करिए, और पानी ठीक है उसको अगर काढ़ा ये पीने से बाद से प्रॉब्लम है तो नारियल पानी वगैरह जैसे कुछ भी, पानी की मात्रा तो बरकरार रखिए, पानी पीने को लगाते रहिए, कुछ यस व्यायाम भी उनको बताइए, हॉट वाटर से काफी आराम मिलेगा, और थोड़ा उनको काउंसलिंग भी करिए, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस में है तो इससे भी नहीं हो पाता है, कभी कभी उनके मन में बैठ गया है कि मुझे यूरिन नहीं आती है ना, तो नहीं आती है, उनको थोड़ा पॉजिटिव मैम, सोचने के लिए बताइए, एक साइकोलॉजिकल होता है बहुत ऐसे। किसी को कुछ ऐड करना है बता। किसी को कुछ बताना है डॉक्टर उर्वी, डॉक्टर सुरभि जी। मैम मेरा भी एक केस है, सही पेशेंट हाँ को यूरिन हाँ इनकॉन्टिनेंसी भी नहीं है, बट जब वो उनको खांसी वगैरह आती है ना, थोड़ी वातिकास की जैसे प्रॉब्लम रहती है, तो खांसी के वक्त उनका थोड़ा सा यूरिन लीकेज हो जाता है। एज उनकी है 65 ईयर्स। अच्छा, 65 एज में तो थोड़ा सा लाइक मेनोपॉजल या एज एज में, क्योंकि मसल्स थोड़ा टोन लूज हो जाते हैं ना सभी हमारे, तो इसमें थोड़ा सा मैं पॉसिबल है, बट क्या हाँ क्या देख सकती हूँ इसमें मैं? आपने और कुछ बताइए इसके बारे में, और कुछ बताइए थोड़ा सा, बाकी कुछ सिम्टम्स है उनको बाकी। और तो नहीं अच्छा, है मैम और कोई? मेनोपॉज हो गया होगा ना 65, जी मैम जी, 65 ईयर्स एज। उनको कुछ पूछा आपने कि मतलब यूरिनेशन के समय में कुछ लाइक प्रोलैप्स वगैरह तो नहीं है, पूछा नहीं ऐसा मैम, आपने? कुछ ऐसा कोई उनको सिम्टम नहीं है। एक्चुअली 1 ईयर से उनको जो है वातिकास की प्रॉब्लम चल रही थी थी तब। अभी रिसेंटली जैसे 3-4 महीने से उनको ये साथ में जो लीकेज शुरू हो गई है। अच्छा, आपने कुछ दिया है नहीं दिया है? मैंने मैम अभी उनका दिया थोड़ा सा, मैंने चंद्रप्रभावटी दी है,
कंटकारी ठीक है। घृत ताकि थोड़ा स्नेहन थोड़ा वातिकास में भी वो काम करेगा। ऐसा में कुछ ज्यादा मेडिकेशन नहीं अभी की, अभी इसमें मैं और क्या दे सकती हूँ? आपके ना मुझे लगता है बेस्ट इसमें लोकल एप्लीकेशन पीचू धारण बहुत अच्छा रहेगा ऐसे केसेस में। आप कैसे सैसी तेल का या मूषक तेल का पीचू धारण करवाए, क्योंकि प्रोलैप्स के लिए ब्रोंच के लिए तो पीचू बेस्ट रहेगा। चंद्रप्रभावटी तो ठीक है, आप आरोग्यवर्धिनी भी दे सकते हैं 15 दिन के लिए। जी थोड़ा सा मतलब सभी ऊपर काम करेगा ये, लीवर या फिर किडनी के ऊपर भी काम करेगी ये आरोग्यवर्धिनी। और फिर लोकल एप्लीकेशन ही ज्यादा बेहतर रहेगा, पीचू करवाइए इसका, अच्छा रिजल्ट्स आएगा आपको। प्रोलैप्स में मूषक तेल का या कासी सन तेल का कोई भी चलेगा मैम, इसमें। प्रोलैप्स नहीं है उनको, सिर्फ इनकंटिनेंसी जब उनको खांसी आती है जब ज्यादा, तब नहीं थोड़ी लेकिन सी ये हल्की टाइप का नहीं, वो मतलब समझ रही हूँ मैं, डायरेक्ट तो प्रोलैप्स नहीं है, बट जी। एज के हिसाब से कभी कभी हो जाता है, और कभी जोर से खांसी वगैरह आती है तो स्टिम्युलेशन मिल जाता है ब्लैडर को वगैरह, तो एक दो ड्रॉप ये होता है। बट आगे चलकर ज्यादा मात्रा ना बढ़े इसके लिए हम लोग दे सकते हैं ना पीचू धारण करना, तो लोकल बहुत अच्छा रहेगा इसमें। या अगर आपको ऐसे लगता है रुग्ण मतलब आकर हमारे पास दवाखाने में हॉस्पिटल में आकर नहीं कर सकती है, तो आप उसको घर में ही बोल सकते हैं ना ऐसे, कि लेकर वो अपने आप से या घर के किसी व्यक्ति को आपने सिखा दिया थोड़ा सा असेप्टिक प्रिकॉशंस लेकर करे अगर वो, तो भी वो भी अच्छा रहेगा। आपका कुछ एडिशन अंजना मैम इसमें? जी मैम, उसमें जनरली आप सही बता रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बात कुपित हुई और एज के हिसाब से क्या होता है ना, थोड़ा सा जो कहीं ना कहीं शिथिलता है, तो शिथिलता के कारण जो आती है कंट्रोलिंग है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर हम मेरे हिसाब से थोड़ा सा जैसे एरंड है, या तो फिर एरंड स्नेह ले सकती है, नहीं तो एरंड एरंड का जो है वो काथ बना सकती है। एरंड मूल मिल जाए इनको अच्छा रहेगा, एरंड तक मिल जाए या एरंड के पत्ते ही मिल जाए, उसमें थोड़ा सा इनको इक्षुमूल है, गोक्षुर है, कंठकारी है, कुशकाश और ये विदारिकंद, इस तरह से जो हमारे पास पाठा वगैरह जो पुनर्नवा शिरीष इस तरह से जो हमारे पास आए हैं ना, जो मूत्रल द्रव्य आए हैं, मूत्रल द्रव्य को काढ़ा बनाइए। तो वो क्या होता है कि वो थोड़ा सा जो हमारा मूत्र में संस्थान है या जो हमारा ब्लैडर है उस पर ये वर्क करते हैं। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था उस केस में भी, तो मैं यहाँ भी शिगरू को रिकमेंड करूंगी, वरुण शिगरू दोनों यहाँ के लिए बहुत अच्छा रहता है ऐसे केसेस में। तो इसमें अफगान श्वेत करा सकती है, वरुण शिगरू काथ का अफगान श्वेत पेशेंट को बताइए, और उसी का जो है पिचू, जैसे मैडम अभी आप बता ही रहे थे, तो उस तेल का पिचू भी वहाँ बहुत कार्य करेगा, क्योंकि वात वात कुपित हुई है और वो हमारा वात वातजरा अवस्था है, तो वात जब कुपित होना ही है, वातावस्था ही है, तो वहां पे हमें स्नेहन करना ही करना है। तो वहाँ अगर आप जैसे कि सहचरादि तेल का पिचू, नहीं तो जैसे मैं तो जनरली ऐसे पेशेंट में यही करती हूँ कि आप वरुण शुरू क्वाथ बनाइए, और क्वाथ बनाने के बाद जब क्वाथ बन जाए तो उतनी ही मात्रा में पहले उसमें क्षीर मिलाइए, क्षीर मिलाने के बाद फिर उसको पकाइए, और जो जितना जैसे मानिए हमने 40 ml क्वाथ में 40 ml क्षीर मिलाया, तो वो टोटल क्वांटिटी 80 ml हो गई। और पकाने के बाद फिर उसको 40 ml ले जाइए, फिर उसमें आप 20 ml घृत मिला दीजिए या तेल मिला दीजिए, फिर उसको पका दीजिए अच्छे से, और पकते पकते जब वो 20 ml रह जाए या 40 ml तक भी रह जाए, तो उस घृत को आप ले लीजिए, और उस घृत को आप पिचू बना के आप रख सकते हैं उसकी उस पर स्पेसिफाई करके जहाँ पे क्योंकि ऐसे हमारी यही केसेस होती में मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज फैक्टर बहुत ज्यादा ये है है। मे भी महत्वपूर्ण है, तो हाँ लोकल मसल का टोन ही बढ़ाना अच्छा रहेगा। इंटरनल हाँ मेडिसिन तो ठीक है, बट हाँ इसके साथ साथ करेक्शन ज्यादा अच्छा होगा इसमें ऐसे रसायन से। रसायन रसायन चिकित्सा में भी हेल्प मिलेगी, थोड़ा रसायन चिकित्सा में भी इनको रसायन भी थोड़ा हेल्प हेल्प करेगा, आप इनको कोई रसायन भी ऐड कर करेगा। सकते हो, अगस्त्य हरीतकी वगैरह भी दे सकते हैं ऐसे केसेस में हम लोग। जी हाँ, थोड़ा सा वो अनुलोमन भी करेगा और उस तरह से जो है वो हाँ उसको फायदा भी करेगा। हाँ और जब यस। अंजू का शायद कनेक्शन लॉस हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है। और किसी को कुछ है गौतम जैसे सर सर आप? सर का जो सर वाला केस था अभी, उसमें ऐसा तो नहीं है सर किसी तरह कोई अश्मरी टाइप में या कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि पेशेंट को कहीं कुछ अवरोध हो रहा हो, जैसे जो पहले वाला केस था अभी सर का, ध्रुव सर का था, उसमें हाँ कई ध्रुव मतलब सर कभी का कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि ना, हाँ कुछ अवरोध हो रहा हो और वो अवरोध हम मतलब क्लियरिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो यूरिन जो हम निकाल रहे हैं उस यूरिन का भी एक बार प्रॉपरली जो है आरएमबी करा लीजिएगा। सीएस तो मैंने बताया अब था,
इसलिए आरएम भी करा लीजिए, रोटीन मैसोस्कोपी भी करा लीजिए, और समटाइम्स इस तरह के रेडियो लुसेंट जो है स्टोन होते हैं जो यूएसजी वगैरह में या टेस्ट उसमें एक्सरे वगैरह में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि वो अवरोध करते हैं। अवरोध जनरल संप्राप्ति है, तो जैसे हमने कैथेटर डाला तो रास्ता वहां थोड़ी देर के लिए क्लियर हुआ, और फिर कैथेटर हटाया तो वो अश्नली जो है वो आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग पर आके बैठ सकती है। ये भी एक कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसके लिए फिर हमें जो है पहले हम यूरिन टेस्ट करा के जान सकते हैं कि यूरिन में क्या क्या हमें मिल रहा है। अगर यूरिन में हमें कैल्शियम ऑक्सीडेट वगैरह ज्यादा मिलेगा या कैल्शियम की मात्रा मिलेगी तो हम फिर कुछ डिसाइड कर सकते हैं। मैं देख लूंगा, मगर उनका मैंने यूरोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट दोनों ओपिनियन तो करवा लिया है। गायनेक में तो जी उन्होंने नॉर्मली बताया है, यूरोलॉजिस्ट ने जी भी यही कैथेटर थोड़ा वही तो कंडिडेट उनको है। ना धीरे धीरे थोड़ा काउंसलिंग मोड में, उनको पॉजिटिव मोड में ले आइए आप, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हॉट फोमेंटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, उनका काउंसलिंग, उन क्योंकि कैसा है देखिए, हमने ट्रीटमेंट कितनी भी दिया ना, लेकिन ये मुझे एक है ना अंजना मैम की, हमारे मतलब दिमाग में हम, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो एक ऐच्छिक है ना कुछ हद तक, तो जरूरी ये है उनके जी जी दिमाग में डालिए कि आपको यूरिन आएगी, वो प्रयास करती रहे, ऐसे कुछ ये जरूरी है ऐसे केसेस में। मेरा एक अनुभव भी है ऐसे कि हमेशा से ऐसे देखा जाता है कि वो बताइए उनको थोड़ा एक पता नहीं उनकी फैमिली कंडीशंस वगैरह भी थोड़ा सा देखिए, वो भी घर के कोई रिश्तेदार से अच्छे से उनको ये दीजिए, आश्वासन दीजिए। आश्वासन चिकित्सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे मुझे लग रहा है, सभी कुछ ऐसे देखा तो नॉर्मल तो लग रहा है, हाँ, नारियल पानी वगैरह बेस्ट रहेगा, वो जरूर बेस्ट पिलाइए, रहेगा, क्योंकि वही पानी वही बहुत उनको जरूरी है। आश्वासन, यस आश्वासन कराइए उनको, प्रयास कराइए, और आप उनको लाइक निकाल 4-5 घंटे के लिए भी निकालिए उनका कैथेटर, और उनको करने को बोलिए कि आपको आ जाएगी यूरिन। एक बार उनको यूरिन थोड़ी सी भी हो जाएगी ना, तो एक आधे दिन में वो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा उनका प्रोसीजर। मैंने ऐसे एक बार किया था, मगर हाँ, फिर भी वापस आ गया तो क्योंकि उनके दिमाग में पक्का बैठ गया है कि अभी थोड़ा सा मुझे करवा यूरिन नहीं आ रही, ऐसे मुझे लग रहा है सब कुछ देखकर। लेते। पूरे घर वाले भी सभी उनके टेंशन में होते हैं, मैंने काफी समझाया कि हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है चिंता जैसा, मगर फिर भी वो दो तीन और डॉक्टर का भी ओपिनियन वो बाकी कोई दूसरे डॉक्टर को तो सर्जरी भी एडवाइस करती है, तो मैंने समझाया इसमें कुछ सर्जरी जैसा है ही नहीं, वो विष थोड़े संदूक बटी पे मेरा, विष संदूक बटी पे मेरा अपना टेंशन एक्सपीरियंस है सर, मैंने विष संदूक में बटी को खिलाया भी है पेशेंट को, और लोकली भी जो है उसको इस तरह से दिया है। विष संदूक बटी आप उसको खिला खाने को दीजिए कि वो खाए विष संदूक बटी, देखिए उसका भी असर मिलेगा। और जैसे मैडम बता रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं पूरा उसको, आप थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए कि लोकल चिकित्सा तो कराइए, नाभि पूर्ण कराइए, और थोड़ा सा शिग्रू का लेप हार्ट कराइए फोमेंटेशन, जी, वो सब कराइए, फिर हमसे मिलिए। आप लोग अगले उसमें फिर डिस्कशन करते हैं, और पॉसिबल हो तो एक बार हम लोगों से वर्चुअली ही मिलवा दीजिए, तो देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा हम लोग की काउंसलिंग करेंगे उनसे, आप बता दीजिए उनको कि इस प्रकार से ये मतलब आप उनका सुनिए करके, या बड़े डॉक्टर से वगैरह ऐसे कुछ बोल के आप कराइए उनसे फिर, यस मैम, थैंक ठीक है। तो यू मैम। यस यस, तो मुझे लगता है आज के केसेस अगर समाप्त हो गए हैं तो हम लोग आगे बढ़े फिर, रुके आज के लिए, कल एक स्पेशल सत्र है रजस वाला परिचर्या पर, 6 बजे है, डॉक्टर बलजोत एक गायनेकोलॉजी एक्सपर्ट है, उनका सेशन रखवा है कल रजस वाला को लेकर, तो रजस वाला परिचर्या के बारे में अगर कोई केस हो तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कल के सत्र में। तो आज के लिए फिर रुकते हैं और फिर कल मिलेंगे। इस प्रकार से सभी जो भी वैद्य है सभी का आभार, डॉक्टर राम सर, डॉक्टर निशा जी, गौतम सर, अंजू जी, जो भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, डॉक्टर रूपल, सुवर्णा, डॉक्टर उर्मी, डॉक्टर जयदेव सिंह, डॉक्टर रवि, राजेंद्र सिंह जी, सभी जो भी लोग देख रहे हैं फेसबुक पर, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और आप भी इस परिचर्चा का हिस्सा जरूर बने, और इस प्रकार से डिस्कशन में आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल फिर 6 बजे मिलते हैं। नमस्कार, नमस्कार रुकते हैं फिर आज के लिए मैम। जी मैम, नमस्कार, गौतम कल सर, मिलते गौतम हैं सर उनको जी। बताइए, आप काउंसलिंग कीजिए, ठीक है।
हेलो मैम, क्या आज क्लास होने वाली है? हाँ यस यस सर, यस यस जस्ट स्टार्टिंग, यस। ओके मैम। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे है बताइए। मैम ठीक है, आज 1-7 बजे भी सेशन है डॉक्टर जोशी जी का। कौन सा है? एक मिनट मैम, मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ हाँ ये है मरम नाड़ी लेवल के लिए है, नाड़ी के लिए। हाँ हाँ ठीक है, हमने हमारा तो 7 बजे खत्म हो जाएगा तब तक। जी अभी जी लोग जी जुड़े कुछ, अभी एक गायनी का सेशन चल रहा था ना, तो इसको खत्म किया है, अभी हमारा ये चालू कर देते हैं। कल हमने पित्त प्रकृति को आरंभ किया था, पित्त प्रकृति को लेकर। जी मैम, कल एक्चुअली मेरे साथ मेरे पास पेशेंट्स थे, तो अच्छा मैं बीच बीच में मतलब क्लास सुनता रहा और बीच में पेशेंट अटेंड करता रहा। अच्छा ओके। अमित को बोला करो एक दूसरे से। मैं कह रही हूँ